ऐसे कंट्री फैक्ट्स जिनको सुनकर आप कहेंगे फिनलैंड में हॉबी हॉर्सिंग के नाम से एक खेल खेला जाता है जिसमें ज्यादातर लड़कियां ये खिलौने वाले घोड़ों पर राइडिंग करती हैं। ये खेल अब इतना मशहूर हो चुका है कि इसकी फिनलैंड में चैंपियनशिप भी करवाई जाती है। साउथ कोरिया में वैलेंटाइन डे पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कों को गिफ्ट देती हैं, लेकिन इसका बदला 14 मार्च व्हाइट डे को लिया जाता है जब लड़के देते हैं गिफ्ट्स। समझ रहे हो? आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है और ये एक बहुत ही खुशहाल मुल्क है। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पर मुकम्मल बैन है क्योंकि ये वेस्ट का कल्चर रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में 28 हेयर स्टाइल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किए गए हैं और शहरियों को इन्हीं हेयर स्टाइल में से कोई एक चूज करना पड़ता है। जापान के सुमो रेसलर्स तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन ये आपस में कुश्ती के अलावा कुछ और भी करते हैं। इनमें बच्चों को रुलाने का मुकाबला होता है जिसको नाकी सुमो कहते हैं। जो सुमो रेसलर बच्चे को पहले रुला देता है वो जाता है।